जब यीशु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि वो यूहन्ना से बढ़कर चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, वास्तव में यीशु नहीं पर उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को गया, जहां जाने उसका सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। वो सूखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस जमीन के पास थी जिसे याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दी थी। याकूब का कुआं भी वहीं था। चलते चलते यीशु थक कर कुएं पर बैठ गया। ये दोपहर का समय था। इतने में एक सामरी स्त्री पानी भरने आई। मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। उसके चेले नगर से भोजन मोल लेने गए थे। तू यहूदी है और मैं एक सामरी, तो फिर क्यों मुझसे पानी मांगता है? यहूदी सामरियों के प्याले और प्यालियों से नहीं खाते पीते थे। अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती और उसे जो तुझसे पानी मांग रहा है, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। हे प्रभु, तेरे पास पानी निकालने को कुछ भी नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जीवन का जल कहां से लाएगा? हमारे पिता याकूब ने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया, तो क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा हो गया? जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा और उन्हें अनंत जीवन देता रहेगा। हे प्रभु, वो जल मुझे दे ताकि मैं कभी प्यासी न हूं और न जल भरने को इतनी दूर तक आऊं। जा, अपने पति को यहां बुला कर लिया। मैं बिना पति के हूं। तू ठीक कहती है, मैं बिना पति के हूं, क्योंकि तू 5 कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। तूने मुझसे सच सच कहा। मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम है। मेरी बात का विश्वास करना रे, कि वो समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही है। परंतु वो समय आता है, बल्कि आ गया है, जब परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से लोग पिता की आराधना करेंगे जैसी सच्ची आराधना वो चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और भक्त उसकी आत्मा के सामर्थ्य से उसकी आराधना सच्चाई से कर सकेंगे। मैं जानती हूं कि मसीह आने वाला है और जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। इतने में उसके चेले आ गए और अचंबा करने लगे कि वो स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने स्त्री से नहीं पूछा, तुझे क्या चाहिए, या मसीह से किस लिए उससे बातें कर रहा है? तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। एक व्यक्ति को देखो जिसने सब कुछ मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है? तो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से ये विनती की, हे रब्बी, कुछ खा लो। पर उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में ये प्रश्न किया, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे। यहां वो कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और।
मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा है जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह, तो वो वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उन्होंने उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। फिर उन 2 दिनों के बाद वो वहां से निकलकर गलील को गया, क्योंकि यीशु आप ही कहता था कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वो गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सब को देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। तब यीशु फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वो ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती की कि उसके पुत्र को चंगा करे, क्योंकि वो मरने पर था। जब तक चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक तुम विश्वास न करोगे। हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु से पहले मेरे साथ चल। जा, तेरा पुत्र जीवित है। उसने यीशु की बात पर विश्वास किया और चला गया। रास्ते में ही था कि उसके दास इस समाचार के साथ मिले। तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा किस घड़ी से वो अच्छा होने लगा था। कल दोपहर 1 बजे थे जब उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि ये उसी घड़ी हुआ जब यीशु ने उससे कहा था, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया था,